अब क्या होगा? अब जंगल की रानी की धड़कन के साथ पूरा जंगल, पशु पक्षी सब जुड़े हुए हैं। अगर उनकी धड़कन रुक गई तो ना ही ये जंगल बचेगा, ना ही जानवर, सब नष्ट हो जाएगा। सारे पंछी जानवर सब मर जाएंगे, जंगल मानव भी नहीं बचेगा अभी। हाँ माया, ये सब हमारी गलती की वजह से हो रहा है। प्लीज हमें माफ कर लीजिए। हमारी गुरुकाल के साथ दुश्मनी के कारण उस नागिन ने अपने जादुई शहर से जंगल की रानी को काट लिया। माया ये कह रहे कि जंगल की रानी की सांसें अभी भी चल रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? राजमाता की जय हो। हाँ? राजमाता चमत्कार हो गया, सूरजपुर में फिर से शांति लौट आई। राजमाता, सारे जंगली जानवर वापस जंगल की तरफ शांति से जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, राजवैद्य से कहना कि प्रजा में कोई भी जख्मी हुई हो तो उनकी देखरेख करे। जी। सारा पैसा राजकोष से जाएगा। डरो मत, ये शेर ही मुझे यहाँ लाया है। विश्व बेटा डरना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अंकल आंटी, आप जाइए, अभी और माया को बचाइए, काफी देर हो गई है, शायद कोई मुसीबत में होंगे, आप जाइए उनकी मदद कीजिए, अब मेरा बचने का कोई चांस नहीं है, जाइए। आज रुद्र के रक्षक का अंत होकर रहेगा। नागिन, विश्व तो समझो मर गया दलदल में। अभी और माया माया और फल लेने जाएंगे पर लौट कर वापस नहीं आएंगे। गुरु काल बैरिया बैरिया मापासा। ये जानवर तुझे अभी भी बहुत क्यूट लगता है ना, घर ले जाना है ना इसे? अभी तो अभी रहे, विश्व बनने की कोशिश मत कर, भाग यहाँ से जल्दी। माया, अब हम इस लड़ाई पर बहुत ज्यादा देर नहीं चल सकते, मम्मी रुक कर इसका सामना करना होगा।